भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय। इंकलाब इंकलाब। आज विद्यापति जी के स्मृति के अवसर पे हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप लोगों के बीच में आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैथिली ठाकुर और उनके साथ जो बच्चा था, उन्होंने इतना खूबसूरत गाने सुनाए, गीत सुनाए। अयाची ठाकुर दोनों ने जो इतने अच्छे गीत सुनाए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी होके ये मिथिला की लता मंगेशकर के नाम से पूरे देश में नाम कमाए। दोस्तों, आप सब लोग कभी ना कभी किसी ना किसी समय मिथिला छोड़ के दिल्ली आए थे। दिल्ली को आप लोगों ने अपना घर बनाया और दिल्ली के विकास में आप लोगों ने खूब योगदान दिया। आज दिल्ली जो कुछ भी है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान मिथिला के लोगों का है, बिहार के लोगों का है, बिहार से आए हुए लोगों का है। और आम आदमी पार्टी मिथिला से आए हुए लोगों के और बिहार के लोगों के दिल में बसती है। बसती है कि नहीं बसती है? उसका एक कारण है, उसका कारण है कि मिथिला से आए हुए लोग अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, उनके मन में छल कपट नहीं है, ईमानदार लोग हैं। और आम आदमी पार्टी भी ईमानदार पार्टी है, सीधी पार्टी है, साफ सुथरे लोगों की पार्टी है। 3 साल पहले जब चुनाव हुए थे, मुझे याद है सबसे ज्यादा बिहार से आए हुए लोगों ने, मिथिला से आए हुए लोगों ने घर घर जाके आम आदमी पार्टी का प्रचार किया था। किया था कि नहीं किया था? आज 2.5 साल के बाद सब लोगों को इस बात पे गर्व है कि 2 साल में 2.5 साल में दिल्ली में इतने काम हुए जो शायद 50 साल के अंदर भी दिल्ली के अंदर नहीं हुए। आज बिजली के रेट कम हो गए, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली के अंदर मिल रही है। पूरी दिल्ली के अंदर पानी मुफ्त मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को ठीक किया, प्राइवेट स्कूलों पे नकेल लगाई, सरकारी अस्पतालों को ठीक किया, इतने काम किए। कल मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया, किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने ईमानदार सरकार को चुना है, ईमानदार लोग हैं। जैसे मैं कल का उदाहरण देता हूं, मैक्स हॉस्पिटल ने गलती करी, हमने उसका लाइसेंस कैंसिल करा। हम अगर चाहते मैक्स वालों से सेटिंग कर लेते, जितने पैसे कहते उतने पैसे दे जाते मैक्स वाले, गलत तो नहीं करे भाई साहब? हमने सेटिंग नहीं करी। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत काम करते, अपनी आत्मा को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। हमारी सरकार बनने के पहले हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे, हर साल बिजली के रेट बढ़ते थे। सारी पार्टियां बिजली कंपनियों से मिली हुई थी। पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर बिजली के रेट
साथ मिले नहीं हुए, हम जनता के साथ मिले हुए, जनता की जेब में। तो दोस्तों, आप लोगों ने ईमानदार पार्टी को वोट दिया था। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये ईमानदार राजनीति दिल्ली के अंदर जो हो रही है, ये एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा पौधा है ईमानदार राजनीति का। इस पौधे को सींचने का काम आप लोगों को करना है। ये केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है। अगर ये ईमानदार राजनीति रहेगी तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेंगी। आप सब लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हो, मेरे को पता है कच्ची कॉलोनियों में जानवरों की जिंदगी हो रही है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन मैंने पूरा प्लान बनाया है, 2.5 साल रह गए हमारी सरकार के, 2.5 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवा देंगे, सीवर डलवा देंगे, पानी की पाइपलाइन डलवा देंगे। ये हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। जो वादे मैंने चुनाव के पहले करे थे वो पूरे कर रहा हूँ, और जो अब वादे करके जा रहा हूँ उसके लिए सारा पैसा हम लोगों ने निकाल लिया है। क्योंकि हमारी ईमानदार सरकार है, जो काम वो 100 रुपए में करते थे, हम हर काम में पैसे बचाते हैं। जितने काम 100 रुपए में करते थे, हम उससे दुगने काम 100 रुपए के अंदर कर लेते हैं। आप लोगों का इसी तरह से प्यार और मोहब्बत बनी रहे, आप लोग अपना आशीर्वाद देते रहे। और हमें कुछ नहीं चाहिए, सवेरे सवेरे जब भगवान से उठ के प्रार्थना करते हैं उस वक्त बस भगवान से ये भी मांग लीजिएगा। आप लोग रोज देखते हैं कि किस तरह से सरकार चलाने में अड़चन आ रही है, केंद्र सरकार किस तरह से अड़चने पैदा कर रही है। भगवान करे वो सारी अड़चने दूर हो, और जो मिशन लेके हम लोग चले हैं कि हम सब लोगों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मिलके दिल्ली का विकास करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, पहले दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म होगा, फिर पूरे देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भारत